अब मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी, और जो व्रती हैं उनके लिए मैंने तैयार कर दिया है। शिव व्रत है, यशु तुम व्रत हो? नहीं भाई, नाक नहा लिया मेरे बाबू ने, तो व्रत वालों के लिए मैंने दिखाया आपको कि मैंने क्या बना दिया। और लंच में संजू हैं आज घर पे, वो छत की सफाई कर रहे हैं, तो उनके लिए गोभी के पराठे, उन्होंने डिमांड किए गोभी के पराठे बनाएंगे, तो लंच हो जाएगा। और फिर शाम की तैयारी, और इतनी बारिश हो रही है कि पता नहीं, जन्माष्टमी बेचारे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, मेरी गली में खूब सजा सजा वजा रहे थे बच्चे, और स्टेज वगैरह बनाया, लेकिन सब पानी में धुल गया, वो सब पानी में बह गया है। तो देखो शाम को कैसे, अगर शाम तक बारिश थोड़ी कम हुई, बहुत तेज इतने बादल गरज रहे हैं, और बच्चे देखिए मेरे आफत कर रहे हैं, चले हम उनको देख लेते हैं। मेरी आंखों में नींद दिख रही है आप लोगों को? आंखों में नींद भले ना दिख रही हो, लेकिन मेरा फैला हुआ काजल जरूर दिख रहा है ना। लंच हो गया, और लंच बनाते बनाते मेरी ये दुर्गति भी हो गई, पराठे बनाते बनाते। और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि भी शाम को भी किचन में मेरा बड़ा काम है। पूड़ी, कचौड़ी, ग्रेवी वाली सब्जी, सूखी सब्जी, खीर, चरणामृत, बहुत कुछ बनाना है। तो मेरे बच्चे, पता है आपको, मेरा एक टेंशन और, 12 से 9 के एग्ज़ाम है, और ये पढ़ने को राजी नहीं हो रहा। मेरा इतना दिमाग ख़राब, चीख चीख के ही पूछो मैं, मेरे बाल झड़े जा रहे हैं इन लोगों की पढ़ाई करवाते करवाते। बारिश भी हो गई, लंच भी हो गया, और पढ़ाई इन लोगों ने थोड़ी थोड़ी की है। अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, और संजू ऑफिस चले गए हैं, बाकी सब ऊपर रेस्ट कर रहे हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे, है ना, कुकिंग करते समय। हेलो फ्रेंड्स, शाम के बज गए हैं 7, और अब भोग बनाने की तैयारी हो रही है। तो ये मेरी खीर बन रही है, और ये मैंने अरबी बॉयल की है फ्राई करने के लिए। ये मटर मैंने पील ऑफ करके रखे हैं, इसकी मैं बनाऊंगी मटर पनीर। और ये आलू और गोभी मैंने कट करके रखा है, इसको मैं जा रही हूँ फ्राई करके इसकी सूखी सब्जी बनाने। और ये आलू बॉयल किए मैंने आलू की कचौड़ी बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बनाना, क्योंकि अभी बहुत जल्दी जल्दी मुझे सारे काम करने हैं। और ये मैंने तुलसी की पत्ती मंगा के रखी है, जो कि मैं चरणामृत में डालूँगी, मुझे चरणामृत भी बनाना है। तो शुरू करते हैं खाना बनाना। भगवान जी का भोग बनाते बनाते, पूजा की तैयारी करते करते मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए, परेशान हो गए हम तो, काजल वाजल सब फैल गया, और पसीने पसीने। तो
11 बज गया, अभी 1 घंटा है। तो अब मैं चाहूँगी थोड़ा चेंज करूँ कपड़े अपने, हाथ में धुलूँ, तैयार हो जाएं भगवान के स्वागत के लिए, और फिर धूमधाम से उनका स्वागत करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, आरती पूजा करते हैं। और अगर मेरा ये जन्माष्टमी की प्रिपरेशन आपको और हमारे घर में जैसे जन्माष्टमी मनाते हैं वैसे आपको अच्छी लगे तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आप म्यूज़िक सुन रहे हैं ना, ये मेरे गली के बाहर, मैं तो देख नहीं पाई खैर, लेकिन मैंने शिवू से थोड़ी थोड़ी क्लिप्स मंगवाई हैं जो आप देख लीजिएगा, ठीक है। जब तक आप क्लिप्स देखिए तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। मंदिर ये देखिए मेरे भगवान जी, और ये मेरा सारा पूजा का अरेंजमेंट। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या अरेंज किया है। तो ये तो फ्रूट्स हैं, ये भगवान जी की बांसुरी मंगाई है मैंने, ये उनके एक तो उनको स्नान कराने के लिए और एक उनको भोग के बाद जल पिलाने के लिए। ये चरणामृत है जिसमें भगवान जी भी नहाएंगे, और ये है माखन मिश्री, भगवान जी का फेवरेट माखन मिश्री। ये उनके हार और फूल उनके चढ़ाने के लिए, ये भगवान जी के लिए 5 मेवा और मिश्री। ये मेरे नंद गोपाल के लिए चॉकलेट और बहुत सारी चीज़ें। ये मैंने जो भोग बनाया है घर पे वो है, इसमें तो आपने आप जानते ही हैं अरबी की सब्जी है, आलू गोभी की सब्जी है, खीर है, पनीर और मटर की सब्जी है, और पूड़ी कचौड़ी है, राइस है। ये भगवान जी के लिए, और इसमें अक्षत डालना है, अभी अक्षत नहीं रखे मैंने।
तो इतनी प्रिपरेशन हो चुकी है, अभी धूप बत्ती वगैरह सब बाकी सब मैंने तैयारी करके रख ली है, बस अब नंद गोपाल के आगमन का इंतजार है। टिन टिन टिन। नीचे तक इतना सारा काम है, अभी भी कल इतना काम किया हमने और आज भी इतना काम है। पूरा कपड़े, एक तो कपड़े नहीं सूख रहे हैं, क्या बताऊँ, बारिश की वजह से कपड़े नहीं सूख रहे हैं, तो ऊपर के फ्लोर में सारे कपड़े फैले हुए हैं। और अभी मंदिर मुझे सब उनका सब भोग वोग जो समेटना है वो समेटना है, और नीचे तो खैर त्राही माम है, बहुत फैला हुआ है। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। बाय बाय, टाटा, लव यू, बाय।